हाय बेब। What is this? तुमने कहा था घर में पार्टी और सब आ रहे हैं। हाँ तो सभी तो है, ये देख विक्की शिवम सब है। पर पार्टी लग तो नहीं रही है। अरे कम ऑन बेब, ये कोई बच्चों वाली पार्टी नहीं है जहाँ पे बलून टंगे होंगे और रिटर्न गिफ्ट रखी होंगी, यू नो बड़ों वाली पार्टी है। We are just chilling here. No big deal. और बड़ों की पार्टीज ऐसी ही होती है। You look gorgeous. Thanks. गीजा जी, ये लीजिए पॉपकॉर्न खाइए। अरे वाह, पॉपकॉर्न किस खुशी में? अरे कई दिनों से अपने घर में कोई तमाशा नहीं होना है, इस खुशी में। अरे मेरे यादों की बारात भूल गया? अरे अभी थोड़े दिन पहले तो तेरी दीदी ने सरला बेन के साथ इतना बड़ा तमाशा किया था गली में। जीजा जी वो बात आप प्लीज मुझे याद मत दिलवाइए और आप खुद भी याद मत कीजिए, आप है ना सिर्फ पॉपकॉर्न खाइए। पॉपकॉर्न? वैसे पॉपकॉर्न का मजा डबल करने के लिए एक तड़कती भड़कती न्यूज दूं। किसे मिलना है? इस वक्त घर पे कोई नहीं है। अरे हाँ हाँ जीजा जी याद आया, अरे ये तो दीदी की मेहंदे की कटोरी जो हमेशा तमाशा करती है, मने रिमेम्बर से है। सी मिस मेहंदे की कटोरी। देखिए घर में कोई है नहीं और दीदी ने कहा है कि किसी को भी घर के अंदर लेना नहीं है और हम लोग कोई तमाशे के मूड में भी नहीं है। ओके ओके ओके, मगर उस तमाशे का क्या जो आप लोगों के पीठ पीछे हो रहा है? मतलब? बताती हूँ। वैसे ये खबर बा के बिना सुनाने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, लेकिन जो काम करने आई हूँ वो किए बिना जा भी नहीं सकती ना। वैसे बा चाहे मुझे कितना भी कुछ सुना ले कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ जैसी भी हूँ जो भी कुछ करती हूँ, मगर सबके सामने करती हूँ, आपकी प्यारी लाडली की तरह पीठ पीछे नहीं करती। किसकी बात कर रही हूँ? आपकी प्यारी पोती पाखी के बारे में बात कर रही हूँ बापूजी, जो जिद्दी और बदतमीजी नहीं झूठी और धोखेबाज भी है। बस किसी के घर में घुस के कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, पाखी बच्ची है और वनराज के जन्मदिन पर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था वो भूल गई क्या? भी देखा तुमने, देखा कैसे वो लड़की बिहेव कर। पाखी, मेरी बेटी का नाम पाखी है, वो लड़की नहीं। पाखी बच्ची नहीं है बापूजी, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इस वक्त पाखी कहाँ है और क्या गुल खिला रही है? We know कि पाखी अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। Oh, how sweet! आप लोग कितने innocent हैं। अगर पाखी इस वक्त रूम में पढ़ाई कर रही है तो फिर ये कौन है? अगर वो रूम में पढ़ाई कर रही है तो फिर बुलाइए ना उसे, अभी पता चल जाएगा कि गेम्स मैं खेल रही हूँ या आपकी प्यारी पोती खेल रही है। जीजा जी जाइए। पाखी बेटा दरवाजा खोल। पाखी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पाखी सो गई होगी क्या? नींद में पाखी नहीं है, आप लोग हैं। इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी हाँ दीदी के पास, वो चाबी का दूसरा गुच्छा है उसके अंदर है, मैं अभी लेके आता हूँ। पाखी बेटा दरवाजा खोल। बापू जी पाखी अंदर होगी तब दरवाजा खोलेगी ना। जीजा जी ये खोली। पाखी कितना मन लगा के पढ़ाई कर रही है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाखी आखिर गई कहाँ। कोई बात नहीं, ये भी मैं ही बता देती हूँ। पाखी का एक क्लासमेट है कबीर नाम का, वो उसके घर पे पार्टी करने गई है। I'm
I'm really sorry. No, no, it's okay. वो ऐसे साफ नहीं होगा. Come, I'll show you the washroom. Come. जी जाजी, ये लीजिए. Cool yourself. कुछ ठीक नहीं लग रहा है यादों की बारात. बस किंजल के फोन का इंतजार है. बाकी जहां भी हो ठीक हो. अच्छा किया किसी को इस बारे में बताया नहीं. तू भी गलती से भी बताना मत है. किसी को कुछ भी बताना नहीं है. हाँ मैंने रिमेम्बर सर. अनुपमा घर से गए 2 दिन भी नहीं हुआ. ये उसके चले जाने के बाद कैसे मैनेज कर पाएंगे. जीजा जी आप चिंता मत कीजिए. वनराज और अनुपमा घर में नहीं है. शायद इसीलिए पाखी ने ऐसे करने की हिम्मत की होगी. और क्या है ना कि बच्चे कभी कभी अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ऐसी गलती कर बैठते हैं. पाखी इतनी समझदार नहीं है. अब छोटी है वो. काश जाने से पहले मुझे पूछ देती. मैं समझा देता उसे. जी जी आप चिंता मत कीजिए. मैं किंजल को फोन करता हूँ. हाँ. शायद उसे कुछ पता चल गया हो. हाँ. भगवान करे पाखी जहां भी हो ठीक हो. वरना अनुपमा और वनराज को हम क्या मुंह दिखाएंगे. कबीर इनफ. ओह कम ऑन स्टॉप एक्टिंग. आई नो कि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है. आफ्टर ऑल स्कूल का सबसे कूल लड़का तुम्हें अटेंशन दे रहा है. एंड आई नो कि तुम्हारा क्रश है मुझ पे सिंस 2-3 इयर्स. सो जस्ट स्टॉप एक्टिंग. तभी तो मेरे बुलाने पे तुम भागे भागे चली गई. यू शुड बी हैप्पी. कबीर खन्ना जिस पर सारी स्कूल की लड़कियां मरती है वो इस वक्त तुम्हारे साथ है. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जस्ट एंजॉय. कबीर स्टॉप इट प्लीज. स्टॉप बीइंग अ किड. अब हम बच्चे नहीं रहे. सो लेट्स ग्रो जो बड़े करते हैं. स्टॉप इट कबीर. ये गलत है प्लीज. अरे कुछ गलत नहीं है. सब करते पर मैं सब जैसी नहीं हूँ. और मैं सब कुछ नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करना और जिससे मेरे पेरेंट्स हर्ट हो. तो तुम यहाँ आई क्यों थी. मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था. गलती हो गई मुझसे और फैमिली को बिना बताए तो बिल्कुल भी. हटो कबीर. लिसन तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कम ऑन बी अ गुड गर्ल एंड गिव मी अ किस. स्टॉप इट कबीर. लेट मी गो प्लीज. कबीर स्टॉप इट. शट अप यू. हाउ डेयर यू. तुमने मेरा हाथ पकड़ा. मैं हाथ पकड़ भी सकती हूँ और तोड़ भी सकती हूँ. मेरी मम्मी ने ना मुझे तमीज सिखाई और बदतमीजों को तमीज सिखानी भी. देख पाखी तू लड़की है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. अच्छा अब याद आ रहा है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं. जब बदतमीजी कर रहे थे तब याद नहीं आ रहा था. मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया और से सॉरी डैम इट. पाखी वो हद से आगे बढ़ रही है. हद से आगे तो तुम बढ़ गए थे कभी. मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हद में लाके छोड़ रही हूँ. से सॉरी वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी इतना जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम्हारी पूरी बिल्डिंग यहाँ के खड़ी हो जाएगी. कबीर नहीं 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 आई एम सॉरी. कान पकड़ के सॉरी बोल. सॉरी. आइंदा ऐसी बदतमीजी किसी लड़की के साथ करोगे नहीं. ये तो मेरे हाथ का थप्पड़ था इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो अब तक. अगर मेरी मम्मी के हाथ का थप्पड़ पड़ता ना तो एक में ही बेहोश हो जाते. अगर आज के बाद तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे घर मैं नहीं मेरी मम्मी आएंगी. और अगर तुम उनके हत्थे लग गए ना तो गॉड नोज कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी. याद रखना कबीर. क्या होगा इस देश का. पर आजकल अच्छी खबरें अखबार में छपती ही नहीं है. जीजा जी पेन लाइए. क्यों पेन का क्या करेगा. अच्छी खबरें छापूंगा मैं. हाँ? कल से पेट्रोल 1 रुपया लीटर. ये लो जीजा जी ये पेन रखो अपने पास. ए जीजा जी देखिए अखबार में क्या खबर छपी है. कल से पेट्रोल 1 रुपया लीटर. अरे वाह क्या बात है. अरे मेरे यादों की बारात ये तूने अभी लिखा है. आई नो मैंने रिमेम्बर से
बट कितनी अच्छी खबर है ना, कल से 1 रुपया लीटर पेट्रोल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खबर लिखी है तूने। बाकी बाकी बेटा कहाँ गई थी? सॉरी बापूजी, मुझसे गलती हो गई। I'm really sorry बापूजी, मुझे आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बिना आपको बताए घर से नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा आप मुझे परमिशन नहीं देंगे, इसलिए सॉरी बापूजी, I'm really sorry, I'm sorry। तूने गलती की, बुरा लगा, पर ये अच्छा लगा कि तूने गलती छुपाई नहीं। Means, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं। गलती का एहसास हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती, एक सबक बन जाती है। और डांट तो गलती करने पर पड़ती है, सबक सीखने पर नहीं।